आपका विंध्य भारत में, मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा जिले के थाना पनवार अंतर्गत ग्राम पोगल्ला में रहने वाली एक महिला जिसका बदलता हुआ नाम धनवती केवट है, 17 दिसंबर 2023 के शाम तकरीबन 7 बजे बरहुला निवासी 3 लोगों ने पानी पीने के बहाने झोपड़ी के अंदर घुसकर गैंग रेप कर डाला गुहार लगाने पर एक आदमी दौड़ा, जिसकी रिपोर्ट लिखने 17 दिसंबर 2023 को पहले पनवार थाने गई। थाना पनवार की पुलिस भगा दिया, तब महिला 18 दिसंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक रीवा के यहां आवेदन दिया, लेकिन आज तक आवेदन पर कार्यवाही नहीं हुआ। पीड़ित महिला दर दर की ठोकर खा रही है, कौन सही कौन गलत यह तो जांच के बाद पता चलेगा। आइए सुनाते हैं पीड़ित महिला की जुबानी उसके ऊपर बीती गैंग रेप की कहानी। कहां से आई? कहां से आई? कौन से थाने? पनवार थाने। क्या शिकायत लेकर आई थी, क्या घटना हुई? मेरे साथ में बलात्कार हुआ था। कैसे, कौन, बताइए क्या घटना? कमलेश तिवारी, सुशील तिवारी, धनेन्द्र मिश्रा। कब 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 घटना हुई? शाम 7 बजे 17 तारीख को। 17 तारीख को क्या बोल के आए थे, क्या कैसे? मैंने 17 तारीख को वहाँ गई थी पनवार थाना में, वहाँ से कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर 18 तारीख को आईएसपी ऑफिस। कौन कौन था? जी मैं ही थी। कौन किया है घटना आपके साथ? ओ कमलेश, सुशील, कमलेश तिवारी, सुशील तिवारी। कब आए थे घर, क्या बोले आपको, कुछ मांग रहे थे आपसे? पानी मांग रहे थे, बोले कि पानी दे दो मुझे। तो मैंने पानी देने के गई वहाँ पे, तो वो लोग पहले हाथ पकड़े, इसके बाद छीना झपटी किए, इसके बाद मुंह दबा करके उसने मेरे साथ में बलात्कार किया। मुँह दबा करके बारी बारी मेरे होश नहीं आई थी। एक गांव का लड़का आया गल्ला के, वही मेरे को उठाया पकड़ करके और लेके चला आया थाने में। फिर थाने आप शिकायत करने गई थी? थाने शिकायत करने गई थी पनवार में। वहाँ से भगा दिया? वहाँ से बोल दिए कि जाओ, हो गया, कल सुबह में आने को रात हो गई। तो आप ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं सब? आरोपी बरौला के रहने वाले। वही आपके क्षेत्र के? जी। पहचानते हैं क्या? जी, आप तीनों को पहचानती हूँ मैं। पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। अभी एसपी ऑफिस आई हैं आप? जी। कार्रवाई की मांग चाह रही हैं? कार्रवाई में यही मांगती हूँ कि मुलजिम पकड़े जाएँ और उनको सजा दी जाए। ठीक।